मरकजी वजीर बराए सेहत तो खानदानी बहबूद मनु सिंह मंदाविया कोर आज वर्मुल जिलुक दौर या दौरान तिमो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौर कोर तो हितुक अति काम कारुक जायज तिमन हमरा ऐस दुयम मुतलिक अफसर ति मौजूद। यहाँ आया मेरे सामने ब्रीफिंग हो रहा था, मुझे बता रहे थे कि 2014 के पहले जम्मू कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करती, अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 2 एम्स। वैसे तो भारत सरकार ने तय किया है कि एक स्टेट में एक एम्स देना है, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिली है, उसका वर्क ऑन गोइंग है, काम चालू है। दोस्तों कब हो पाया है, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने सोचा कि देश के सभी भागों का सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट समान होना चाहिए। कोई क्षेत्र कोई स्टेट डेवलप हो जाए और कोई क्षेत्र कोई स्टेट डेवलप नहीं हो पाए तो देश के डेवलपमेंट में असंतुलन होगी, और असंतुलन ना हो इसलिए देश का ईस्टर्न पार्ट का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉर्थ पार्ट का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, साउथ और मिडिल पार्ट का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो क्षेत्र जो स्टेट पीछे छूट गए हैं उसको ज्यादा मदद करने की आवश्यकता भी होनी चाहिए। उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में आज विकास पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आज मेडिकल कॉलेज बारामूला में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मंडाविया सर आए थे यहाँ पर अलॉन्ग विथ मेनी अदर डिग्निटरीज। इसका मकसद यही था यहाँ आने का कि जो नए 5 मेडिकल कॉलेजेस और 2 एम्स जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए आए हैं उनका एक उनको एग्जिबिशन और एक्सप्लेनेशन किया कि ये क्या प्रोजेक्ट है। जहाँ पहले हमारे पास सिर्फ 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, 2 से हम आज 7 के इस पे आ गए, 5 एडिशंस हो गए। तो उसका जायजा करने आए थे कि बिल्डिंग्स कितनी बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन गया, कितने बैचेस आ गए स्टूडेंट्स के, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, फैकल्टी की क्या डेफिशिएंसी है, बाकी चीज़ें उसका जायजा लेने के लिए आए थे। और कैंपस का दौरा करते हुए उन्होंने हमारा वो कंस्ट्रक्शन का जायजा किया और उसके बाद हमारा यहाँ एक 550 बेडेड एक पोर्टेबल इमरजेंसी हॉस्पिटल खड़ा हो गया विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ से 22 to 25 डेज। ये एक प्रोजेक्ट है इंडो अमेरिका नो सॉरी दिस इज अमेरिका इंडिया फाउंडेशन। तो उसमें बारामूला के लिए 50 बेडेड एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बन गया विच इज़ फुल्ली लेड विथ ऑक्सीजन गैस पाइपलाइंस, इट हैज़ एन इंटेंसिव केयर यूनिट, इट हैज़ हाई डिपेंडेंसी वार्ड, इट हैज़ 2 एडिशनल ऑब्जर्वेशन वार्ड्स। सो दिस इज फॉर प्रिपेयर्डनेस टूवर्ड्स द 3rd कोविड वेव के लिए। सो उसका उन्होंने इनॉग्रल किया।